अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना यासर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो कि हमारी नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा मसला है, यानी रिजेक्शन। इस पर बात करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर अपलोड की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी गाइडेंस ले सकें। जब कोई आपको छोड़ दे तो क्या करना चाहिए? क्या उसके पीछे भागना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, उसकी मिन्नतें करनी चाहिए या कि आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या उसके रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी करते हुए अपने आप को तबाह करना चाहिए या कि एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। इसलिए कि आपने जो सोचा और जिस सोच के साथ अमल किया वही आपकी जिंदगी को बनाएगा या खराब करेगा। तो आज आपने फैसला करना है कि रिजेक्शन को अपने आप पर हावी करना है या आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को एक बेहतर सोचने का अंदाज देना होगा और इसके लिए आप इन तरीकों पे अमल कर सकते हैं। नंबर एक, रिजेक्शन को अपनी सोचों में जगह ना दें, यानी आपकी सोचों में आपके बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब तो होने चाहिए लेकिन रिजेक्शन के साथ शर्मिंदगी, फियर, कोई भी ऐसी चीज़ आपके जहन में मौजूद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपकी कोई चीज़ ख़राब होती है, आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हो, कुछ दिन के बाद आप उसे भूल जाते हो, तो रिजेक्शन को भी डस्टबिन में फेंक कर भूलना है। अपनी सोचों को मस्बत बनाना है, यानी अपने आप पर फोकस करना है, अपनी जात के बारे में सोचना शुरू कर देना है। इससे पहले ये होता आया कि आप उसी के बारे में सोचते थे और अपनी जिंदगी को उसी के साथ लिंक करते थे, अपनी जात के हवाले से बहुत कम सोचते थे। तो आज से फैसला करना है कि हमने अपने आप के बारे में सोचना है, मेरी खुशी किस चीज में है, मैं किस तरह अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकती हूँ। जिस तरह की सोचें आप सोचेंगे बिल्कुल उसी तरह से आपका सोचने का अंदाज बनता चला जाएगा और यही डिसाइड करता है कि आपने आगे जिंदगी में क्या बनना है। एक और अहम पॉइंट ये है कि इसके बजाय कि आप ये सोचें कि उसने मुझे छोड़ा क्यों, आप ये सोचें कि मैं बच गया और मुझे अब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये सोच पॉजिटिव सोच होगी, यानी उसने आपको इस वजह से नहीं छोड़ा कि आपके अंदर कमी है, उसने आपको इस वजह से छोड़ा कि वो इनसिक्योर हो गया था, उसको आपके साथ रहते हुए अपनी जिंदगी के हवाले से इश्यूज थे। अगर आप रिजेक्शन के बाद भी उसी शख्स के हवाले से सोचते रहेंगे तो इसका मतलब है आज भी आपने उसको वही जगह दी जो कि रिजेक्शन से पहले थी, लेकिन उसने तो आपके बजाय किसी और को शायद जगह दे दी या कुछ और सोचना शुरू कर दिया। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जिसने आपको रिजेक्शन दी उसकी हर याद को खत्म कर दे। अगर आपका जहन कहता है कि मुझे उसे इंतकाम लेना चाहिए तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि रिवेंज लेने से या इंतकाम लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर रिजेक्शन के अगले ही दिन से आप ये सोचना शुरू हो जाओ कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे अपनी जिंदगी में आगे क्या प्लानिंग करनी है, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत जल्द एक बेहतर लेवल पे ले आओ। जिन जिन चीजों से आप ट्रिगर होते हो, यानी आपकी सोच एकदम से उसकी तरफ चली जाती है, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। चाहे वो व्हाट्सएप पे उसका नंबर हो, चाहे फेसबुक पे उसका अकाउंट हो, चाहे उसके दिए हुए गिफ्ट हो, कुछ भी हो, हर चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दे। आपके लिए बेहतरीन इंसान वो होगा जो कि आपको आपकी खामियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि आपने भी दूसरे को उसकी खामियों और खूबियों के साथ एक्सेप्ट करना होता है। तो अगर कोई शख्स आपको रिजेक्ट करता है इसका मतलब है कि उसने आपको एक्सेप्ट किया ही नहीं था। अगर एक शख्स ने कुछ ही अरसे में आपको छोड़ दिया इसका मतलब है कि वो कमिटमेंट करने वाला इंसान नहीं है। तो बेहतर है कि ऐसे इंसान को उसी वक्त पे आप भी छोड़ दें, इसलिए कि वो आपके लिए कभी भी बेहतरीन नहीं था। उसको छोड़ने की सोच के साथ ही अगर आपके अंदर बेचैनी होती है और आपको लगता है कि शायद आपको इसके अलावा और कोई शख्स नहीं मिलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपके लिए अभी बहुत लंबी जिंदगी है, आपने अपने आप को बेहतर से बेहतर लेवल पे लेकर जाना है और उस वक्त पे आपको बेहतर से बेहतर इंसान मिलेगा।
सिर्फ अपने यकीन को पुख्ता करना है। अगर आप अपने यकीन को डामाडोल कर देंगे तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलात ज्यादा होंगी। तो आज ही अपने कदम एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ाएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।